वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव सिटी। आज हम सीखेंगे महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस वड़ा पाव बनाना। ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे और उसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डालकर 4 से 5 आलू डालेंगे। आलू बड़े हो तो 4 से 5 ले और यदि आपके पास छोटे आलू हैं तो आप 10 से 12 आलू इसमें डालें। आलू डालने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालना बहुत ज़रूरी है, आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसमें 1/2 ग्लास पानी और डाल दें। 4 से 5 सीटी में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। नमक को अच्छी तरह मिला दें और ढक्कन लगा दें। ढक्कन पर सीटी भी ज़रूर लगाएं। जब तक आलू प्रेशर कुक हो रहे हैं तब तक हम वड़ा पाव के लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली या शेंगदाना लें और इसे अच्छी तरह चलाते हुए भून लें। मूंगफली को पूरा अच्छी तरह से भूनना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखें कि आप इसे चलाते रहें। यदि आप इसे चलाना बंद कर देंगे तो मूंगफली पर काले दाग आ जाएंगे और ये जल जाएगी। इसे कंटिन्यू 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर चलाते रहें। गैस हमेशा लो फ्लेम पर रखें वरना ये जल जाएगी। इसे पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है पर इससे जो इसके फ्लेवर्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। धीरे धीरे मूंगफली का कलर चेंज हो रहा है और इसके छिलके भी अपने आप निकल रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि मूंगफली अच्छी तरह से पक रही है। जब मूंगफली भूनकर तैयार हो जाएगी तब इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी जिससे हमें पता चलेगा कि मूंगफली पककर तैयार है। ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मूंगफली के छिलके फटकर अलग होने लगे हैं। इसका मतलब है कि यह अच्छी तरह भूनकर तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम को बंद कर दें और इसे चलाना बिल्कुल ना बंद करें क्योंकि कढ़ाई गर्म होगी और यदि हमने इसे चलाना छोड़ दिया तो ये जल जाएगी। अभी इसमें कुकिंग प्रोसेस बंद नहीं हुआ है इसीलिए आप इसे चलाते रहें। 4 से 5 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा और ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक ग्राइंडर लें और इसके अंदर 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाल लें। अब ढक्कन लगाकर इन्हें पीस लें। अब इसके अंदर मूंगफली के दाने डालें। ध्यान रखें कि मूंगफली के दाने ठंडे हो गए हों। यदि हम इसे गर्म में पीसेंगे तो ये अच्छी तरह नहीं पीसेगा। ध्यान रखें हमें इसे ज़्यादा देर नहीं चलाना है वरना इसका फाइन पाउडर बन जाएगा और वो चटनी जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे या आप स्वादानुसार नमक भी डाल सकते हैं। यदि आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और मिर्ची ऐड कर लें। अब इसे 2 से 3 सेकेंड के लिए पीस लें और ये परफेक्ट चटनी की कंसिस्टेंसी बन गई है। चटनी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे वड़ा के लिए मसाला। इसके लिए 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लें, 3 से 4 हरी मिर्च, यदि आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो और मिर्च ऐड कर लें। अब इसमें अदरक के टुकड़े काट कर डाल लें। अदरक को अच्छी तरह छील लें या इसे अच्छी तरह धो लें वरना इसमें मिट्टी का फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे बंद करके पीस लें और ये मसाला बनकर तैयार है। आलू भी प्रेशर कुक हो चुके हैं। जब कुकर से सारा प्रेशर रिलीज हो जाए तब सावधानी से कुकर का ढक्कन खोलें और एक बार कांटे की मदद से चेक कर लें कि आलू पक गए हैं या नहीं। यदि कांटा आसानी से बाहर आ जाए इसका मतलब है कि आलू अच्छी तरह पककर तैयार हो गए हैं। अब आलू को सावधानी से निकालें और ठंडे पानी में डाल लें। अब इसे अच्छी तरह छील लें।
ध्यान रखें कि जब आलू ठंडे हो जाए इसके बाद ही इसे छीलें, वरना आपके हाथ जल सकते हैं। आलू के छिलके निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे हल्की हल्की मिट्टी लगी होती है। सावधानी से सारे आलूओं को छील लें। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एवरी मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे को हमारी न्यू वीडियोस आती है, उन्हें ज़रूर चेक करें। हमारे चैनल पर नेल आर्ट, कुकिंग, क्राफ्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, आपको ज़रूर हमारे सारे वीडियोस बहुत पसंद आएंगे। जब सारे आलू छिल जाए तब इन्हें 2 मिनट के लिए ठंडा होने दें। तब तक हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह गर्म होने दें। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 छोटा चम्मच हींग डालें। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जब ये तेल में डिजॉल्व हो जाए तब इसमें 1 बड़ा चम्मच राई डालेंगे और इसे अच्छी तरह चटकने देंगे। 30 सेकेंड्स में ये अच्छी तरह चटक जाएगी। इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब राई अच्छी तरह चटक गई है, इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें और इसे भी अच्छी तरह मिक्स होने दें। जब ये तेल में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा इसके बाद हम इसमें हमारा बनाया हुआ अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और इसे इसमें अच्छी तरह मिला देंगे। बिल्कुल बाजार जैसे टेस्टी वड़ा पाव बनेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। करीब 30 सेकेंड्स में यह अच्छी तरह पक जाएगा। इसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ता या करी लीव्स ऐड करेंगे। इसे मीठा नीम भी कहा जाता है। इसे अच्छी तरह तेल में स्प्लटर होने देंगे। जब मसाले में इसे कड़ी पत्ते की खुशबू आने लगे तब इसे अच्छी तरह मिला दें। ऐसा करने से कड़ी पत्ते के फ्लेवर्स पूरे मसाले में अच्छी तरह आ जाएंगे। इस कोरोना काल में हम सभी स्ट्रीट फूड को बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वड़ा पाव का वीडियो। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव सभी के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर करें। 2 से 3 मिनट इसे मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह पका लें। जब तक ये पक रहा है तब तक फ्रेश धनिया की पत्तियाँ लें और उसे अच्छी तरह चॉप कर लें और करीब 1/2 कप इसमें डालें और इसे भी अच्छी तरह मिला लें। इससे वड़ा पाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो बच्चे धनिया खाने से इनकार करते हैं, पर यदि आप इसे वड़ा पाव में ऐड करेंगे तो इसे खाने से कोई भी इनकार नहीं करेगा। ये बहुत टेस्टी बनेगा। अब स्वाद अनुसार इसमें नमक डालें और इसे अच्छी तरह मिला दें। ध्यान रखें कि हमने आलू को प्रेशर कुक करते समय भी उसमें नमक डाला था, इसीलिए स्वाद अनुसार से थोड़ा कम ही डालें। अब इसमें आलू को मैश करके डाल दें। ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, इसे अपने हाथों की मदद से ऐसे ही फोड़ें और इसमें मिला दें। जब सारे आलू इसमें फोड़ दें तब इसे अच्छी तरह मिलाएं और चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह प्रेस करें। इससे आलूओं में मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा भी मैश ना करें। यदि ये ज़्यादा छोटे पीसेस हो गए तो वड़े बनने में बहुत मुश्किल होगी। अब फ्लेम को बंद कर लें और इसे अच्छी तरह मिलाते रहें जिससे कि ये ठंडा भी हो जाए। जब फिलिंग अच्छी तरह ठंडी हो जाए तब हाथों पर थोड़ा ऑयल लगाएं और बॉल साइज फिलिंग लेकर
इसे अच्छी तरह हाथों की मदद से रोल कर ले। इसे पहले तो लड्डुओं जैसा शेप दे और ऊपर से हल्के हाथों से दबाकर इसे हल्का फ्लैट कर ले। देखिए कितने सुंदर वड़े बने हैं। ऐसे ही 4 से 5 वड़े बना ले एक साथ और उसके बाद ही हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। वड़े बनाते समय ध्यान रखें कि इसकी जो फिलिंग है वो अच्छी तरह बिल्कुल ठंडी हो चुकी हो। यदि ये गर्म होगी तो वड़े फट जाएंगे। यदि आप बाहर से पाव लाना नहीं चाहते या आपके आसपास की बेकरी में पाव अवेलेबल नहीं है तो पाव बनाने की रेसिपी भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप उस रेसिपी से पाव बनाएं और अपने कमेंट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप उसे ज़रूर चेक करें। देखिए कितने सुंदर स्मूथ और गोल वड़े बने हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे। अब 4 से 5 वड़े बना लें, उसके बाद हम फ्राइंग शुरू करेंगे। जब वड़े बनकर तैयार हो जाए उसके बाद एक बोल लें और इसमें 1/2 कप बेसन लें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। ध्यान रखें आलू में बहुत नमक पड़ा है, इसीलिए आप कम ही नमक डालें और 1/2 कप पानी डालें। ध्यान रखें कि हाथों की मदद से इसे मिलाएं और पानी भी इसमें धीरे धीरे कर ऐड करें, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला। यदि बैटर गाढ़ा होगा तो वड़े बहुत हैवी हो जाएंगे और वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे और उसमें स्ट्रीट स्टाइल का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और यदि ये ज़्यादा पतला हो गया तो ये वड़े पर टिकेगा नहीं और फिर आलू के वड़े फट जाएंगे। इसीलिए बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान रखें कि आप बिल्कुल सेम मेजरमेंट्स यूज़ करें, इससे रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। यदि आपके पास कोई सजेशंस है या आप किसी भी रेसिपी का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब एक कढ़ाई लें और इसमें तेल डाल लें जिसमें हम वड़े अच्छी तरह डीप फ्राई करेंगे। अब इसे गर्म होने दें। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तब बैटर में वड़े को डुबाएं और इसे अच्छी तरह कवर होने दें। इसके बाद धीरे धीरे करके बैटर अपने आप कम हो जाएगा जो एक्सेस होगा और इसमें सावधानी से वड़े को डालें। ध्यान रखें तेल बहुत गर्म है, इसीलिए बिल्कुल सावधानी से इसे करें वरना आपको तेल से जल जाएगा। वड़े फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लेंगे, तब तक आप 3 से 4 वड़े जितने भी आपके कढ़ाई में फिट हो उतने डालें। ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादा वड़े ना डालें वरना ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और वड़े अच्छी तरह नहीं पकेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई पर रखें। 2 से 3 मिनट में वड़े एक तरह से सिककर तैयार हो जाएंगे, इसके बाद सावधानी से इसे पलट दें। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये, खाने में भी बहुत अच्छे होंगे। जब वड़े दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इन्हें कढ़ाई में से निकालकर किचन टॉवल या टिश्यूज पर रख ले जिससे एक्सेस ऑयल सारा सोख हो जाए। सावधानी से सारे वड़ों को निकाल ले। बिल्कुल बाजार जैसे वड़े बनकर तैयार है। अब पाव लें और इसे बीच में से स्लाइस कर लें। ध्यान रखें पूरा एंड तक स्लाइस ना करें, एंड में से पाव जुड़ा हुआ होना चाहिए जिससे कि हम इसमें चटनी की फिलिंग करें और चटनी इसमें टिकी रहे। जब पाव स्लाइस हो जाए तब इसे खोलें और इसके अंदर अपने स्वाद अनुसार चटनी डाल लें। वड़ा पाव के साथ चटनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर बनाएं।
इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, पर ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब इस पर वड़ा रखे, ऊपर से वापस चटनी की एक लेयर डालें और इसे बंद कर कर सर्व कर दें। ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिएटिव सिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपके पास हमारे वीडियो के लिए कोई भी सजेशन है या आप कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।